उसी पॉइंट पे क्लोज हो गई, यहीं पे मेरी फिगर एंड हुई, तो ये क्लोज फिगर है। ठीक है, वन मोर, यहां से मैंने स्टार्ट किया, यहीं पे ही एंड हुई, इट इज अ क्लोज फिगर। मैं यहां से फिगर स्टार्ट कर रही हूं और यहीं पे मैं उसे एंड कर रही हूं, दिस इज अ क्लोज फिगर। वन मोर, यहां से मैंने स्टार्ट किया, यहीं पे मैंने एंड किया, दिस इज अ क्लोज फिगर। क्लोज फिगर कैसे भी हो सकता है, कैसे भी बना सकते हो, यहां से मैंने स्टार्ट किया और यहीं पे मैंने एंड किया, दिस इज ऑल्सो क्लोज फिगर। बट और एक और थर्ड है सिंपल क्लोज फिगर। सिंपल क्लोज फिगर में क्या होता है, सेम एज अ क्लोज फिगर, बट द डिफरेंस इज दैट कि जो क्लोज फिगर था वो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट होता था। इंटरसेक्ट मीन्स दो पॉइंट, दो लाइन जहां पे मीट कर रही है, जहां एक पॉइंट पे वो मिल रही है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरसेक्शन। ठीक है, तो यहां पे आप देखो कि ये यहां पे इंटरसेक्ट हो रही है, दो लाइन मैंने पास किए पर यहां पे भी इंटरसेक्ट कर रही है और फिर वो क्लोज फिगर बना रहा है, उसे क्लोज फिगर कहते हैं। और सिंपल क्लोज फिगर में क्या है कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है पर कहीं पे भी इंटरसेक्ट, ये जो लाइन सेगमेंट है ना वो कहीं पे भी एक दूसरे के अंदर से पास नहीं हो रही। ओके, क्लोज फिगर और सिंपल क्लोज फिगर में एक ही डिफरेंस है कि जो क्लोज फिगर है वो एक दूसरे के अंदर से पास हो सकती है। देखो यहाँ ये मेरा स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दोनों सेम ही है पर दो लाइन एक दूसरे के अंदर से पास हो सकती है, कहाँ पे, इन क्लोज फिगर। बट सिंपल क्लोज फिगर है वहां पे ये फिगर रॉन्ग है, ऐसे नहीं आएंगे। सिंपल क्लोज फिगर में कहीं भी दो लाइन एक साथ मीट नहीं कर सकती। मैं यहां से जैसे मेरा ये स्टार्टिंग पॉइंट है, मैं ऐसा कोई फिगर बना रही हूं और यहां पे एंड हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एज सिंपल क्लोज फिगर। क्योंकि ये फिगर है पर कहीं पे भी कोई भी लाइन या कोई भी चीज एक दूसरे के साथ पास नहीं हो रही। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो इसमें से ये वाला एक सिंपल क्लोज फिगर है। यहाँ पे तो बहुत सारी जगह लाइन एक दूसरे के पास, एक दूसरे के अंदर से पास हो रही है, तो ये क्लोज फिगर है। ठीक है, ये भी क्लोज फिगर है बिकॉज दो लाइन एक दूसरे के साथ पास हो रही है यहाँ पे। ओके, ये सिंपल क्लोज फिगर है बिकॉज यहाँ पे कोई भी लाइन एक दूसरे के साथ पास नहीं हो रही है। ये कौन सा है, ये भी क्लोज फिगर है बिकॉज यहाँ पे वो मीट हो रही है। देखो ये लाइन भी यहाँ पे टच हो रही है और ये लाइन भी यहाँ पे टच हो रही है, दैट मींस दिस इज अ क्लोज फिगर। ओके, सो इसका डिफरेंस अच्छे से ध्यान रखना है, क्लोज फिगर एंड सिंपल क्लोज फिगर में सिर्फ छोटा सा डिफरेंस है कि क्लोज फिगर में लाइन इंटरसेक्ट करती है और सिंपल क्लोज फिगर में लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती है। बट मेन पॉइंट कि जहां से आप लाइन बनाना स्टार्ट करो वो लाइन वहीं पे एंड होती है, दैट इज क्लोज फिगर। और ओपन फिगर मतलब जहां से आप स्टार्ट करते हो फिगर बनाना और उसका एंड कहीं और होता है, दैट इज ओपन फिगर। नाउ लास्ट इज पॉलीगॉन। पॉलीगॉन मीन्स अगर कोई भी क्लोज फिगर, सिंपल क्लोज फिगर के लिए बात की है, सिंपल क्लोज फिगर मतलब जो लाइन एक दूसरे से पास ना हो। अब पॉलीगॉन क्या होता है, सिंपल क्लोज फिगर बट वो लाइन सेगमेंट्स बना हो तो उसे पॉलीगॉन्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल लाइन थ्री, यहां पे मैंने लाइन सेगमेंट इसको बोलते हैं, लाइन को लाइन सेगमेंट। हमने हमारे पहले वीडियो में पढ़ा था लाइन सेगमेंट क्या होता है, ऐसी जो लाइन को पीछे लाइन सेगमेंट कहता है बोलते हैं जिसका फिक्स एंड होता है, उसका फिक्स एंड है, ये इतनी ही लाइन है, ये ज्यादा एक्सटेंड नहीं।
ठीक है, और यहाँ पे हमें 6-9 सेगमेंट से ही बनाना है शेप। तो इससे हम कितने सारे शेप्स बना सकते हैं? अगर मैंने 4-9 सेगमेंट यूज करूँ, 1, 2, 3 and 4, तो मैं स्क्वायर बना सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पे कितनी लाइन सेगमेंट हुई? 4 लाइन सेगमेंट, 1, 2, 3, 4 and 5, 1, 2, 3, 4 and 5, ये एक लाइन सेगमेंट है, ये एक लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। अगर मैं 5 लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करती हूँ तो ये मेरा क्या बन जाता है? पेंटागन। ओके, सो पॉलीगॉन्स मतलब क्या?